10-15 दिसंबर तक का टाइम भी है कि आप यहाँ पे मैनेजर लेवल पे आते हैं तब भी आप दुबई जा सकते हैं। आप अगर TLC स्टे करते हैं, जैसे आप शेयर मार्केट से रिलेटेड हैं, शेयर मार्केट का आपको पता है कि जो चीज़ बढ़ती है हम उसको खरीदते हैं, लेकिन इंडियन मार्केट में उल्टा है, जो लोग घटती है हम उसको बेच देते हैं तुरंत, लेकिन हमारा समय कब होता है खरीदने का, जब घटता है, लेकिन हम जैसे कोई चीज़ घटती है हम सेल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर मैं TLC की बात बताऊँ, अगर TLC जो हमारा क्रिप्टो है, जिसके जो फाउंडर हैं वो मिस्टर लवीश चौधरी जी हैं, जो हम नहीं बोल रहे हैं, अगर आप गूगल पे डालोगे ना नंबर वन ऑफ प्रोजेक्ट किसका है तो लवीश चौधरी जी, क्रिप्टो में प्रोजेक्ट किसका है तो TLC का नाम। तो ये नाम ऐसा नहीं है कि हम 10-12 जने यहाँ बैठ के ले रहे हैं, गूगल बाबा ये बोल रहे हैं कि ये है नंबर वन पे। नंबर वन पे जो प्रोजेक्ट है, अभी अप्रैल में हमारी लॉन्चिंग हुई थी, लॉन्चिंग भी वैसे हमारी अभी इसमें है, एक हमने स्टार्टिंग करी थी स्टार्टिंग फेज पे, तो $1 का रेट था, आज की रेट में कितना है $37 का रेट है। अब अगर अप्रैल में किसी ने 1 लाख रुपये भी लगाया होता तो आज होते उसकी जेब में 37 लाख रुपये। लेकिन जिसने विश्वास करा लगाया भी, हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं, अभी मैं उनके साथ डिस्कस करता, अभी 21 अगस्त को हमारा एक प्रोग्राम हुआ था दिल्ली के अंदर, अंकल भी उसे होटल हयात में, तो उसमें क्या था, गोविंदा भी आया था और भी वो थे, अमीषा पटेल थी, गोविंदा की वाइफ भी थी, तो सारा एक प्रोग्राम था, 5,000 लोगों का प्रोग्राम था लेकिन उसमें 10,000 लोग आए, तो उसी में से एक फैमिली पंजाब से आ रखी थी, उन्होंने ऑन स्टेज $16 का रेट था, उन्होंने 3.5 करोड़ रुपये का TLC परचेज करा। अब आज की डेट में कितना हो गया, 3.5 करोड़ का 21 अगस्त से, और आज हम 2.5 महीने में बैठे। अगर वो स्टेप, क्या पता हम में से अंकल ले लेते या मैं ले लेता, मैं भी कुछ ले लेता, क्या पता थोड़ा बहुत हमने भी लिया जितना अपना वो था, तो क्या उन्होंने अगर स्टेप बढ़ा लिया, क्योंकि व्यापार है, व्यापार क्या मांगता है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कौन करता है, जिसको रिस्क लेने की आदत हो, रिस्क जो लेगा वही बड़ा करेगा। अगर रिस्क आज की डेट में हमारी ज़िंदगी में, जैसे सर बता रहे थे, रिस्क हर मोड़ पे है, वो घर से निकल के यहाँ तक आए, यहाँ तक आने में भी रिस्क है, लेकिन क्या है, रिस्क को कवरेज कैसे करना है, वो ये प्लेटफॉर्म है। भाई मैंने भी लिया था, मैंने 1 लाख का लिया, 3,40,000 हुए, मैंने बेच दिया, लेकिन फिर मैंने 1 लाख का खरीद लिया प्रॉफिट में से, है ना, तो वो रिस्क मैनेजमेंट को मैंने कवर कर दिया। लेकिन आज उस व्यक्ति के, अगर हम इमेजिन करें, तो मैं 30 साल से व्यापार कर रहा हूँ, तो मैंने 30 साल से 10 करोड़ रुपये तो कमाए नहीं होंगे, जो उन्होंने इस 2.5 महीने में इस क्रिप्टो की बदौलत लगभग 11 करोड़ रुपये उनके हो गए। कितने महीने में, 2.5 महीने में, नहीं तो लोगों को 250-250 साल लग जाते हैं सिर्फ 1 करोड़ रुपये कमाने में, या 1 करोड़ की संपत्ति खड़ी करने में। लेकिन ये वो प्रोजेक्ट है जो आज की डेट में हम बात कर रहे हैं कि जिसका हमारा जो सर्वे किया है ना, हम बिटकॉइन का नाम क्यों ले रहे हैं बार बार, इसलिए ले रहे हैं कि 2009 में मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी आई, मुझे भी कोई दे रहा था, लेकिन उस टाइम पे कंप्यूटर की नॉलेज नहीं थी, तो हमने भी कहा यार छोड़ा ऐसे, तो 10 पैसे का एक था, 100 रुपये के 100 मिलते, मैंने 100 ही रुपये दे रहे थे, उन्होंने मुझे बोला था 100 रुपये के ले लो, लेकिन जब नॉलेज नहीं थी और कुछ नहीं था, पहली बार नाम सुना, तो हमने दरकिनार कर दिया। लेकिन हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि हमारे पास ये घूम फिर के फिर आया, क्योंकि बिटकॉइन खरीदने की औकात तो हमारी आज है नहीं, क्योंकि बिटकॉइन आज की डेट में 84 लाख तक गया और 34 लाख पे आज भी स्टैंड कर रहा। जिसके पास बिटकॉइन है वो आज की डेट में अरबोंपति है। मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास 200 बिटकॉइन है, उस टाइम उसी ने मेरे को बताया था, उस टाइम समझा वो 200 बिटकॉइन लेके बैठा हुआ, यानी कि अरबों रुपया। लेकिन जिस चीज़ की मुझे नॉलेज नहीं थी तो मैंने वो लिया नहीं। आज की डेट में हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, उससे हम बिटकॉइन का नाम इसलिए बार बार ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो क्वाइन है ये TLC के नाम से, ट्रिलियनर के नाम से, इसका जो सर्वे है, जिस कंपनी ने बिटकॉइन का सर्वे किया था 2009 में, सल्टिक, अगर आप गूगल पे भी डालेंगे तो पूरी हिस्ट्री आ जाएगी, सल्टिक का जिसने सर्वे, सल्टिक ने जिसका सर्वे किया था वो बिटकॉइन है। तो बिटकॉइन का जो डोमेन है वो मात्र 2.5 लाख रुपये का है। आज की डेट में हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, हमारा जो डोमेन ही डोमेन है वो 41,960 रुपये का है। बिटकॉइन का कितने का, 2.5 लाख का, और हमारा 41,960 रुपये का डोमेन है। और जिस कंपनी ने सर्वे बिटकॉइन का किया था, सल्टिक जर्मनी की कंपनी है, उसने हमारा इसका TLC का सर्वे किया। तो हमारे पास क्या है, क्या पता मैं उस टाइम 100 रुपये नहीं लगा पाया और आज की डेट में मैं 1 करोड़ रुपये लगा दूँ, तो अपनी अपनी वो है, आज की डेट में हम कर रहे हैं। लेकिन TLC ऐसा जो अभी फ्री भी मिल रहा है ना, अगर हम ना जाएं करोड़ पे, हम ना जाएं 50,000 पे, अगर हम आज की डेट में 20,000 रुपये लगा के और 2 साल रिन्यूअल कर लें, क्योंकि जो गिफ्ट मिल रहा है वो आपको पता है 3 साल बाद मिल रहा है,
ठीक है ना। लेकिन आज की डेट में हम सोचते हैं यार अगले पल का तो पता नहीं है, अगले पल का तो हमारा भी पता नहीं है, हम कहाँ होंगे, है ना। लेकिन क्या है, संभावना है हमेशा। अगर मैं 30 साल का अपना ग्राफ बता रहा हूँ तो 30 साल पहले जो चीज़ मुझे मिली थी उस टाइम पे नहीं थी, लेकिन आज की डेट में इस माध्यम से क्या पता हम भी उस लिस्ट में आ जाए, क्या पता अरबों के डॉलर या अरबों की TLC हमारी जेब में हो। पर जो फ्री मिल रहा है अगर हमने उसे 2 साल ही संभाल के रख लिया ना सर, तो वो 2 साल में ही उसका जो रेट है लगभग $12,000 होने वाला है 27 में एक TLC का। अब $12,000 आप कर लो, डॉलर जो रेट होगा अगर हम आज की कैलकुलेशन लें लगभग 9-10 लाख रुपए, तो आपको 10 फ्री मिल रहा है, यानी कि 1 करोड़ रुपए तो आपको 2027 में जब आपकी मेच्योरिटी पीरियड होगा तभी आपको मिल जाएगा। लेकिन आप एक दूसरे में भी ले सकते हैं कि आपने सेल बाय में लिया, जैसे मैंने लिया था अभी, मैंने भेज दिया फिर मैंने ले लिया। सेल बाय में भी आपने लिया तो सेल बाय में भी आपने अगर आज का रेट अगर $37 है, अगर $50 और ये दावा है, चाहे रिकॉर्ड भी कर लेना, नवंबर में चल रहा है, दिसंबर में हमारी लॉन्चिंग के टाइम तक लगभग 70-80 डॉलर के बीच में रह जाती है, तो तब भी हम डबल पे। लेकिन क्या है, उस टाइम हमारी मर्जी है भाई, हमने 1,00,000 रुपये लगाए, 2 लाख हुए, लाख का भी 1,00,000 रुपये डाल दिए, ऐसा भी हम कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में जो प्रोजेक्ट, जो ये चीज़ मिल रही है, ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, डायरेक्ट हमारे पास ब्रोकर से आ रहे हैं। हमारा ब्रोकर कौन है हमें समझना पड़ेगा। हमारा ब्रोकर वो ब्रोकर है जो 4 साल से 5 तारीख को पे आउट होता है, तो 5 तारीख को 12:01 पे आता है। किसी का लेट हुआ सर? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसकी नियत देने की है। अब होती बात दूसरी जगह है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव हर जगह रहता है, जिस घर में उतार चढ़ाव नहीं होंगे वो घर भी नहीं चलता है ना। तो यहाँ तो हम वर्ल्ड वाइड बिजनेस की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड बिजनेस में भी अगर उतार चढ़ाव ना होंगे, अगर लाइन ऐसी सीधी हो जाए ना तो आदमी डेड है। लेकिन जिग जैग अगर चल रही है, हम ECG निकालते हैं, जिग जैग ही चल रहा, तो अपनी लाइफ भी वैसे ही है। तो यहाँ भी उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन उस उतार चढ़ाव में अगर हम साथ खड़े रहे, समझ के खड़े रहे, चीज़ों को देख के करते रहे कि हाँ भाई ये चीज़ बढ़ रही है, ये चीज़ घट रही है, तो कहीं ना कहीं अगले साल जब हम यहाँ बैठेंगे, या अभी 1 महीने बाद बैठेंगे, या अभी अगले हफ्ते बैठेंगे, तो अपने आप को अपग्रेड पाएंगे। और वो सब होगा 9:00 की जूम मीटिंग से, और कुछ नहीं होने वाला। नहीं तो हम कोई नेता तो है नहीं, हम कोई भाषण दे रहे, हम भी वही हैं कि कल हम वहाँ थे, आज हम यहाँ हैं, तो वो खाली एक उसका है कि हमने भी सीखा, हमने भी उसी जूम से सीखा। लेकिन जैसे अमन जी अभी बोल रहे थे, निरंतर हम क्या है, आ ही रहे हैं जूम पे, कोई कोई कुछ बोल रहा है हम सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, डायरी पेन हमारे हाथ में है, तो सुनना समझा। सुनते सुनते हम दुबई भी घूम लिए, सुनते सुनते हम थाईलैंड भी घूम लिए, सुनते सुनते हम सुंदरनगर भी घूम लिए, सुनते सुनते हम जिम कॉर्पोरेट भी घूम लिए, सुनते सुनते आज की डेट में मलेशिया की प्लानिंग चल रही है, सुनते सुनते मतलब अगले 1 साल का रोड मैप हमारा है अपना, और जो लवीश चौधरी जी का रोड मैप है वो अगले 2033 तक का रोड मैप है। अब वो हमें डिसाइड करना है कि हमने 1 साल का टारगेट लेना है, या हमने 2033 तक का टारगेट लेना है, या हमने 10 दिन के बाद का टारगेट लेना है। टारगेट लेंगे, सपना कोई देखेंगे तभी सच होगा। अब वही है कि बंद आंखों से सपना देखेंगे तो कभी सच नहीं होगा। हमेशा सपना लोग आज सो के देखते हैं कि हाँ भाई मुझे रात को 1 करोड़ रुपए मिले, सुबह जब आया तो खाली। लेकिन क्या है, अगर खुली आंखों से सपना देखेंगे तो सच होगा। जैसे मैं बी प्रैक्टिकल अपना एक सपना बताऊंगा सभी के सामने, शायद मेरी वाइफ को भी बताऊंगा, तो मेरा एक अपना सपना था कि मतलब हवाई यात्रा करूँ। लेकिन हमने कई बारी, हमने 2 मार्च का डिसाइड करा था, हमारी शादी की सालगिरह है, कि 2 मार्च को चलो चलेंगे दिल्ली से वापसी आ जाएंगे करके। ये बिजनेस जो कर रहा हूँ जिसकी करोड़ों रुपए आज की डेट में कीमत है, मतलब 12-15 करोड़ की मेरे सारा है जो हिसाब किताब वो है, उस बिजनेस को भी करते हुए मैं दिल्ली तक अपनी वाइफ को नहीं लेके जा पा रहा था हवाई जहाज में, जो मेरा सपना था। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद आज की डेट में कितनी बार हवाई यात्रा हो, जो मैं आपको अभी आप से बात कर रहा यहाँ पे, कि अब हम क्रूज की प्लानिंग कर रहे हैं, क्रूज की प्लानिंग भी हो चुकी है, कि इस सिस्टम से वो चीज़ हमें मिलने जा रही है कि आज की डेट में जिस क्रूज की हमने फोटो भी लगाई अपनी DP पे, उस क्रूज में कहीं ना कहीं हम 10-11 दिन हम सफर करेंगे। अब उस सफर में अगर अपने साथ होंगे तभी उस सफर का मजा आएगा। मनीष जी मेरी फ्रेंडशिप को लगभग 25 साल हो गए, लेकिन क्या है, अलग प्रोजेक्ट में सर ने दुबई में भी काम करा, ट्रेडिंग उससे है, NSC BSC का पूरा ज्ञान है, अवार्ड भी मिला है कि पिछले 40 दिन से इन्होंने नेगेटिव में नहीं जाने दिया अपना अकाउंट, तो इनसे भी हमें सीखने को मिल रहा है। लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म में साथ में है इसलिए
कि इन्हें भी चीजें पहले बताई थी लेकिन इन्होंने भी कुछ सीखा जाना, हम भी इनसे सीख रहे हैं और हम भी क्या है सिखा रहे हैं। तो सीखने सीखते सिखाते बातचीत करते करते ठीक ठाक पैसा भी आ ही रहा है, क्योंकि जब पैसा आता है तो फिर पैसा बोलता है, आदमी नहीं बोलता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका पर्सनलिटी डेवलपमेंट भी हो रहा, फ्री क्लास जूम की मिल रही है। अगर अभिनव बिंद्रा की बात करूँ, सभी लोग उससे परिचित हैं, तो अगर आपने उसकी क्लास ही लेनी है ना सर, तो 60,000 रुपये मंथली का पैकेज है खाली क्लास लेने का, ओनली जूम मीटिंग पे। सुबह उठ के 9 बजे से 11 बजे तक चलती है। अब आप बोलोगे मुझे कहाँ से पता है, क्योंकि मैं अपना जूम का लिंक सभी को भेजता हूँ, चाहे मेरा कोई कस्टमर है चाहे कोई भी है। तो मेरे काफ़ी कस्टमर उनकी क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि सर टाइमिंग सेम है, तो मैंने कहा क्या वहाँ पे मिल रहा है या आ रहा है, अर्निंग हो रही है या आप दे रहे हैं। उन्होंने बोला 60,000 रुपये सर चार्ज है एक महीने की क्लास का। और मैंने कहा अर्निंग क्या हुई, 6 महीने से ओनली क्लास ही दे रहे हैं। हमारा ऐसा सिस्टम है, 20,000 रुपये लगा के जो व्यक्ति स्टार्ट किया था, अमन जी ही सामने बैठे हुए हैं, वो आज की डेट में अपनी टीचर की जॉब को रिजाइन कर चुके हैं। हमने नहीं बोला करने के लिए, 20,000 रुपये लगाए थे स्टार्टिंग वाले दिन, वो भी TLC का बोला जो आया था तब 10 बढ़ाए थे, नहीं तो 10 ही लगाए थे। काम करना स्टार्ट करा, आज की डेट में ठीक ठाक हिसाब है, तभी वो 20,000 रुपये की जॉब को रिजाइन मार के आज की डेट में ये प्लेटफॉर्म कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म बढ़िया है ये समझना पड़ेगा, समझें कहाँ से जूम पे, हमारे साथ टाइम टाइम से बैठना पड़ेगा। बैठेंगे कैसे, जब आपस में कम्युनिकेशन होगा, है ना। संदीप भाई को मैं पिछले 1 साल से ही बोल रहा था लगभग लगभग, पर जब मैंने बोला कल 32,000 रुपया गिफ्ट है, बोलने का एक तरीका है भाई, 32,000 रुपये TLC 10 TLC की वैल्यू आज 32,000 रुपये, कोई झूठ तो बोला नहीं। मैंने कहा तुम्हें फ्री मिलेगी, लेकिन आज ला देते, इन्होंने कल ही अपना अकाउंट लगाया अंकल के साथ, है ना। तो क्या है, हम किसी को बताएंगे नहीं तो कोई नहीं आएगा। अगर आज की डेट में मुझे दिल्ली जाना है, तो यहाँ से मैं ट्रेन से जाऊँ चाहे बस से जाऊँ चाहे हवाई जहाज से जाऊँ चाहे पैदल जाऊँ, वो मुझे डिसाइड करना है, लेकिन दिल्ली तो पहुँचना है ना। अब हम सोचेंगे नहीं दिल्ली जाने की, तो हम बैठे हुए कोलागढ़ में, तो हम पटेल नगर तक भी नहीं जा पाएंगे। तो सोच को बड़ी करना पड़ेगा। आज की डेट में हमारी सोच क्या है, हम दुबई अपने आप अभी हो के आए 10-15-20 दिन पहले। अब मेरी सोच क्या है कि अभी तो हम गए थे 100 जने अपने ग्रुप से, लेकिन उसमें 100 जनों में से 100 तो मुझे जानते हैं, लेकिन उन 100 में से मैं तो 20 को जानता हूँ जिनके साथ में। अब भाई मेरा 25 साल पुराना अगर फ्रेंड मेरे साथ रहेगा, तो वहाँ अच्छी बातें भी होंगी, सारी बातें होंगी, वो सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, जानने को। इसीलिए ये जो आज प्रोग्राम रखा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोग हमारी टीम से दुबई चले, क्योंकि बहुत कम मतलब उसमें कम अचीवमेंट पे बहुत बड़ा टारगेट है। लोग इस दुनिया में आते हैं और यहाँ चले जाते हैं, दुबई तो बहुत दूर की बात है, दिल्ली तक नहीं हो पाते। तो हमारे पास वो प्लेटफॉर्म है कि ऑल ओवर वर्ल्ड हम घूम सकते हैं, क्योंकि हमारा ब्रोकर 100+ कंट्री में रन कर रहा है। उस ब्रोकर के साथ हम हैं, उस टाइटैनिक के साथ हम हैं, जो कभी हमें डूबने नहीं देगा। सिर्फ ये है, साथ खड़े रहना है। और अगर आप 90 दिन साथ खड़े रहेंगे ना, 90 दिन के बाद मैं बोलता हूँ 90 दिन हमारे हिसाब से और 91 दिन आपके साथ, उस दिन आप बोलोगे जिस पोजीशन पे हमें, उस पोजीशन पे आप खुद होंगे। हमने अमन सर को बोला था, मैं कहा 90 दिन दे दो, मैंने सिद्धर के साथ 90 दिन दिए। अब इस 90 दिन के बाद वो 91 दिन से अपने आप अपनी उस जॉब को रिज़ाइन मार रहे हैं, मार दिया है मतलब, जहाँ वो लगभग लगभग 5-6 साल से करीब रहते हैं, ज़्यादा ही हो गया, 5 साल से वहाँ करते हैं। इस नेटवर्क फील्ड का उन्हें एक्सपीरियंस 25-30 साल का है, कई कंपनियाँ आई कई गई, पर ये कंपनी नहीं है। ये है ब्रोकर, ये है बिजनेस, ये है व्यापार। इस शोरूम में अगर 10 लाख का सामान है तो वो 10 लाख के हिसाब से प्रॉफिट आएगा, इस शोरूम में 20 लाख का सामान है तो 20 लाख के हिसाब से प्रॉफिट आएगा। ऐसे ये 10,000 की दुकान में आपको डिसाइड करना है कि 10,000 रख के काम चलाना है या अपना जीवन इस पे 1 साल लगा के 10 करोड़ तक कमाना है। तो ये प्लेटफॉर्म है, बाकी किसी का कुछ क्वेश्चन होगा तो साथ में बैठे हुए हैं, डिस्कशन भी कर लेंगे, है ना। तो प्लेटफॉर्म बढ़िया है, कोई अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे लक्की भाई वीडियो ही बना रहे, पर इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करी, बातचीत करी, सब कुछ हुआ, तो आज की डेट में खाली इन्होंने अपना पैसा लगा रखा। मैंने 40 लाख रुपये लगा रखा, उन्होंने 8 लाख रुपये लगा रखा, उन्होंने भी लगा रखा, तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लगा रखा। हम नहीं बोल रहे लगाओ, हम ये बोल रहे रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क भी लेना है, जीतेगा वही जो रिस्क लेगा। अब रिस्क ही नहीं लिया, अब हम तो ऐसे सोच ले यार हवाई जहाज में बैठेगा, हवाई जहाज ना क्रैश हो जाए, है ना, क्योंकि ऐसा हुआ है, लेकिन इसका मतलब हवाई जहाज में यात्राएं थोड़ी ना बंद हो गई। तो चीज़ें समझनी पड़ेगी, समझाएगा कौन, जो दुबई तक होके आ चुका। अब मैं दुबई तक होके आ चुका, मैं दुबई तक की बात बता सकता हूँ, थाईलैंड तक की बात बता सकता हूँ,
गोवा तक की बात बता सकता हूँ, लेकिन अब चांद पे नहीं गया था, चांद की बात तो मैं भी नहीं बता सकता, अब वो तो हमें बता ही रहे हैं हमारे जो है एक्सपर्ट, तो हमें उस चीज़ को मैं बता सकता हूँ जहाँ तक मैं हूँ। आज मैं इस ब्रोकर के उस लेवल पे हूँ जो ब्रोकर मुझे 2.5 से 3 लाख रुपए सैलरी दे रहा है, तो मैं उन्हें वहाँ तक का रास्ता तो बता सकता हूँ। हम उन लोगों के साथ हैं जो 20-20 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं, तो हमें उनके साथ भी बैठना पड़ रहा है, उनसे भी सीखने को मिल रहा है, क्योंकि वो 20 करोड़ का रास्ता बता सकते हैं। तो हम जिन लोगों के साथ बैठेंगे तो हमारा जो व्यवहार है या हमारी जो डेस्टिनेशन है या हमारा जो आगे आने वाला समय है, हम वहाँ तक जा सकते हैं। अब हम बैठ ही रहे उन्हीं के साथ कि जिनकी सोच ही 10,000 रुपये की है, तो वो 10 तक ही सीमित रहेंगे। तो हमेशा अगर हमें आगे बढ़ना है तो बैठना उनके साथ है जिनकी सोच भी बड़ी है। ऐसा नहीं है कि भाई हम गलत जगह पे बैठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इस परिवार के अंदर भाई भी है, बहन भी है, बेटी भी है, पत्नी भी है, सारा एक परिवार है, वी आर फैमिली। तभी आज की डेट में हमारे साथ कई महिलाएं ऐसी हैं जो अपना घर का काम करते करते यहाँ पर भी वर्किंग कर रही है और अच्छा पे आउट दे रही है। और काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने MBA करने के बाद बैंक की जॉब कोई नहीं छोड़ता, बैंक की जॉब रिज़ाइन करने के बाद आज की डेट में फुल टाइम यहाँ कर रही है, जैसे पूजा विश्वास, मैडम सारे लोग जानते हैं, है ना। तो पूजा विश्वास बैंक की नौकरी में कितने ले रही थी, 40 से 50 हज़ार रुपये, आज की डेट में अगर बात करें तो 2.5 से 3 लाख रुपये। तो पॉसिबल किससे हुआ, उस 90 दिन का टारगेट जो मैं बता रहा हूँ, वो 90 दिन अगर मेहनत शिद्दत के साथ दिया, तो यही है। बाकी सब लोग यहाँ पे है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।